दोस्तों आज हम एक बेहतरीन से प्लान का डिस्कशन करने वाले हैं, और ये दोस्तों 2D प्लस 3D का मिक्सचर है। इसका मैंने फ्रंट एलिवेशन वगैरह नहीं क्रिएट किया है, और ये बहुत ही खूबसूरत प्लान होगा, पूरा डिटेल के साथ समझाने वाले हैं। अगर आप डिटेल के साथ समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो सबसे पहले इसके हम बात करते हैं डायमेंशन की। तो 30x30 फिट का 30x30 फिट में है, जिसमें कि आपको 3 बेडरूम मिलते हैं, एक बड़ा सा बारंदे का डिजाइन मिलता है, लेट बाथ, किचन, स्टेयर्स, ये सारी डिटेल देखने को मिलती है। आप देख भी रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत प्लान है। इसका जो एलिवेशन है वो तो मैंने क्रिएट नहीं किया है, बट आप तो ये पूरा डिटेल ही अब हम आपको समझाएंगे। तो फ्रंट इसका ये है दोस्तों, और यहाँ पर आपकी स्टेयर से ऐसे एंट्री करेंगे तो आपको ये एक बारंदे का डिजाइन मिलता है, जहाँ पर हमारे सोफ़ा वगैरह लगा रखा है। इसके बाद इधर आप जैसे मूव करेंगे तो ये आपके एक गेस्ट रूम मिलता है। इसके बाद यहाँ पर आप मेन डोर लगाएंगे, अंदर पहुँचते हैं तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर आपको एक किचन मिल जाता है, ये देख सकते हैं किचन का डिजाइन है, और राइट हैंड कॉर्नर पर आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं। दोस्तों किचन की अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये 6x8 फिट में बना है किचन, और इधर 6 फिट चौड़ाई में आपकी स्टेयर्स बनी है, और आगे वाला बेडरूम है जो 12x12 फिट का बना हुआ है। इसका जैसे आप पीछे पहुँचते हैं तो आपको देख सकते हैं पीछे का जो बेडरूम है वो 11 फिट चौड़ाई की है और 12 फिट लंबाई की है। तो 11x12 का एक ये बेडरूम है, 11x12 का एक ये बेडरूम है, और ये बीच में लगभग 7 फिट जगह बचती है, तो 7x7 का आपका लेट एंड बाथ मैंने क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पर 3 बेडरूम, पहला अगर हम बात करें पीछे वाले दोनों बेडरूम 11x12 फिट के हैं, बीच में आपका किचन सॉरी लेट एंड बाथ का डिज़ाइन बना हुआ है, ये तो लेट एंड बाथ आप यहाँ बनाएंगे, और इधर की बात करें ये आपका किचन है, और इधर आपका स्टेयर्स बना हुआ है, ये आ गया आपका बारंदा, और ये आपका गेस्ट रूम जो कि 12x12 फिट के अप्रॉक्स बना हुआ है। तो काफ़ी बेहतरीन सा मॉडल। अब अगर आपको पिलर कहाँ कहाँ पर बनाने वो भी देखना है, तो मैंने देखिए पिलर जो रेड कलर से आपको दिख रहे हैं वो सारे पिलर के डिज़ाइन हैं। और मैं आप दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आप हमसे घर के नक्शे बनवाना चाहते हैं, हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो हमारा कॉलिंग नंबर नहीं है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें वहाँ पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप पर चैट कर सकते हैं, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूँगा। और दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप इसका प्रॉपर 2D मॉडल, इसमें साइज वगैरह कितने कितने हैं वो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर जाकर विजिट करें। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट भी वहां पर पहुंच सकते हैं, और आप इस मॉडल को या इसका 3D मॉडल, जो बहुत सारे मैंने 3D मॉडल्स वहां पर दे रखे हैं, उनको भी डाउनलोड करके आप अपने घर बना सकते हैं। तो जो ये प्लान था दोस्तों, देखिएगा कितना बेहतरीन सा प्लान है। मैं चारों तरफ से टॉप व्यू आपको दिखाता हूँ, साइड से आपको दिखा देता हूँ, तो ये एक बेहतरीन सा 30x30 का 900 स्क्वायर फिट में बना हुआ है। अब दोस्तों इसकी हम कॉस्ट की बात कर लेते हैं कि इस घर को बनवाने में कितना पैसा लगेगा। तो अगर आप दोस्तों देखिएगा, नॉर्मल विदाउट प्लास्टर मतलब विदाउट फिनिशिंग बनवाते हैं तो लगभग 6 से 7 लाख रुपये आपका। तो अगर दोस्तों विदाउट प्लास्टर आप इसे बनवाते हैं, केवल फाउंडेशन और इसके बाद मकान, तो आपका यहाँ पर लगभग 6 से 7 लाख रुपये खर्च होगा, बट फिनिशिंग के साथ साथ लगभग 8 लाख रुपये आपका ये खर्च हो जाएगा 900 स्क्वायर फिट बनवाने में, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर पैसा ज़्यादा लगता है। आपको नीचे दोस्तों भराई करानी पड़ेगी पिलर वगैरह, क्योंकि ज़्यादा काम होता है, लगभग 1.5 फ्लोर का काम यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर होता है। तो ये मॉडल आपका पूरा बनकर रेडी हुआ है। अगर आप ऐसे मॉडल को पसंद करते हैं तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं जाकर हमारी वेबसाइट पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।